तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोग के उर्दू फॉर बिगनर्स यानी कि UFB का पार्ट 24 है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं चार अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले उर्दू के शब्द, जो कि आप लोग के लिए आसान लगेगा तब जब आप जानते हों कि किसी भी उर्दू के अक्षर को कैसे ए की मात्रा में बदला जाता है, जो कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वही वाला फार्मूला आप लोग को यूज़ करना है और इतने सारे चार अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्दों को आप आसानी से उर्दू में लिख भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। ठीक, तो चलिए बिना देर किए और ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चार अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्दों को देखिए मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दी हूँ। तो जो सबसे पहला शब्द है देखिए लिखा है पैदावार। पैदावार को उर्दू में कैसे लिखा जाएगा तो मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि शब्द का पहला अक्षर क्या है, वो है पै। तो सोचिए कि पौ को उर्दू में क्या कहते हैं। पौ को उर्दू में पे कहते हैं, लिख दीजिए। ये हो गया आप लोगों का पे से पौ, लेकिन यहाँ पर क्या है पै, यानी कि पौ में ए की मात्रा है। तो किसी भी उर्दू के अक्षर को ए की मात्रा में कैसे बदला जाता है मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना, वही बात मैं बोल रही हूँ। अगर आपको मालूम है कि कैसे ए की मात्रा में बदला जाता है तो आप आसानी से इतने सारे शब्दों को लिख पाएंगे। किसी भी उर्दू के अक्षर को अगर ए की मात्रा में बदलना है तो उस अक्षर के ऊपर ज़बर लगाकर और उसमें बड़ी ये जोड़ दिया जाता है तो वो अक्षर ए की मात्रा में बदल जाता है। पे के ऊपर ज़बर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, ये ए की मात्रा में बदल जाएगा। तो ये पै हो जाएगा, अभी जुड़ा नहीं है। ठीक है, अभी मैं साथ में लिख दी हूँ, अभी जोड़ना बाकी है। ठीक, उसके बाद से आगे देखिए दा है। दा को उर्दू में क्या कहते हैं, दाल कहते हैं। दा बनाने के लिए, दाल से तो दा हो गया लेकिन दा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। वाह है, वाव से वाह होता है और वाह बनाने के लिए वाव में अलिफ जोड़ दीजिए। उसके बाद से रह है, रह को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। अब इन सब को जोड़ दीजिए, आसानी से आप लोग पैदावार लिख लेंगे। देखिए जोड़ने का भी तरीका मैं आप लोग को बताई हूँ। पे का 50% भाग यानी कि आधा भाग उठा लेना है ऐसे, तो ये पे का आधा भाग उठा लिए। और देखिए पे के ऊपर क्या है, ज़बर है, लेकिन मैं आप लोग को क्या बताई हूँ, कभी भी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं लिखा जाता है। तो पे के ऊपर ज़बर हम लोग मन में मानेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। ठीक, उसके बाद से ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा शक्ल चेंज करके पे में आकर जुड़ जाएगी। ठीक, तो पे के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया अब पै। अब आप इसको पै पढ़ सकते हैं। ठीक, ये ए की मात्रा में बदल गया ना, पे पे से जो प हो रहा था यहाँ पर, अब इसमें ज़बर लगाकर बड़ी ऐसे जोड़ दिए तो अब ये हो गया पै। उसके बाद से दाल उठा लीजिए, दाल का पूरा पूरा भाग जिस तरह यहाँ पर दाल लिखा है ना उसी तरह यहाँ पर भी लाकर चिपका दीजिए दाल को। और उसके बाद से दाल से तो दा हो जा रहा था लेकिन यहाँ पर क्या है, दा है, यानी कि इस अलिफ को भी दाल में ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए तो दाल में अलिफ जुड़कर दा हो जाएगा। उसके बाद से वाव उठा लीजिए, वाव में अलिफ जोड़ दीजिए तो वाह हो जाएगा। और उसके बाद से रे ले जाकर चिपका दीजिए। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का पै दा वा र, पैदावार लिखा गया है ना, पैदावार। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह बाकी सभी शब्दों को आप लोगों को उर्दू में लिखना है। देखिए अगला शब्द है वैक्सीन। सबसे पहला अक्षर है वै। वॉक उर्दू में क्या कहते हैं, वॉक उर्दू में वाव कहते हैं। वाव से तो वह हो गया लेकिन यहाँ पर क्या है, वै है, ए की मात्रा में है। तो व को वै की मात्रा में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस व के ऊपर जबर लगाकर और इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद से यहाँ पर क्या है, आधा क। तो आप सोचिए कि पूरा क को उर्दू में क्या कहते हैं, पूरा क को उर्दू में काफ कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, आधा क है तो इस काफ का भी आधा भाग आप ऐसे मिटा दीजिए। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का आधा काफ से आधा क। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, सी है अगला अक्षर। तो सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, सीन लिख दीजिए। सीन से तो सौ हो गया लेकिन यहाँ पर क्या है, सी ई की मात्रा है। तो देखिए सी में कौन सा वाले ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है, तो आप लोगों को मालूम चलेगा इस सी में बड़ी ई की मात्रा है। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी भी उर्दू के अक्षर को अगर बड़ी ई की मात्रा में बदलना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर और उसमें छोटी ई जोड़ देते हैं तो वो अक्षर बड़ी ई की मात्रा में बदल जाता है। ठीक, उसके बाद से आगे बढ़िए, लास्ट वाला अक्षर है न। न उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं। अब इन सब को जोड़ दीजिए, देखिए वाव जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह लिखिए। ठीक है, और वाव के ऊपर क्या है, ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और वाव के पास आकर ऐसे चिपक जाएगी। ठीक है, वाव के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर वय हो गया। देखिए ये मैं आप लोग को बार बार बताई हूँ कि अलिफ हो गया, रे हो गया, दाल हो गया, जे हो गया, ठीक है, वाव हो गया, ये सब में ना दूसरा अक्षर जुड़ता नहीं है, बस आकर चिपक जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पे में
पे का आधा भाग उठा दिए और पे के ऊपर दबर था और बड़ी है तो जाकर इसमें शकल चेंज कर कर जुड़ गया ना, ये एक दूसरे से जुड़ गया। लेकिन ये दोनों क्यों अलग अलग है, इनको भी जुड़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों को, अगर नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अलिफ हो गया रे दाल, जाल होता है, जे होता है, उसके बाद से वाव होता है। ये इन सभी अक्षरों में ना कोई भी दूसरा अक्षर जुड़ता नहीं है, जाकर सिर्फ चिपक जाता है तो मान लिया जाता है कि जुड़ गया। तो उसी तरह वाव में अगर बड़ी ये जोड़ना था ना, तो बस बड़ी अपना शक्ल चेंज की और आकर सिर्फ वाव के पास इसे चिपक गई तो मान लिया जाता है कि वाव में ये जुड़ गया है। ठीक, तो वाव के ऊपर ज़बर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया आप लोगों का वय। अब आप इसको वय पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद से देखिए काफ का ये आधा भाग है तो यहाँ पर भी काफ का आधा भाग ऐसे ला दीजिए। ठीक, काफ का आधा भाग ला दिए, काफ से आधा क हो गया। उसके बाद से सीन का भी ये आधा भाग आप लोगों को उठा लेना है, इतना नोकीदार भाग, एक दो तीन, तीन ठो नोक निकला है ना, तो यहाँ पर भी आप लोगों को तीन ठो ही नोक निकालना है, एक दो तीन। ठीक, ये हो गया आप लोगों का सीन का आधा भाग। और सीन के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग मन में मान रहे हैं। और ये जो छोटी ये है ये भी अपना शक्ल चेंज करेगी और शक्ल चेंज करके इसी सीन में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक, और देखिए बड़ी ये जिस तरह अपना शक्ल चेंज की थी ना, उसी तरह छोटी ये भी अपना शक्ल चेंज की है और मतलब उसी तरह अपना रूप धारण कर ली है। ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिस तरह बड़ी ये अपना शक्ल चेंज कर लेती है उसी तरह छोटी ये भी किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है ना तो अपना शक्ल चेंज करती है। तो यहाँ पर जिस तरह बड़ी ये वाव में जुड़ रही थी और अपना शक्ल बना ले रही थी इस तरह, उसी तरह छोटी ये भी सीन में जुड़ी ना तो ये अपना शक्ल चेंज कर कर बिल्कुल उसी तरह शक्ल बना ली जिस तरह की बड़ी है। ठीक, तो सीन के नीचे जेर और छोटी जुड़कर सी हो गया। उसके बाद से नून चिपका दीजिए ऐसे लास्ट में ले जाकर, जिस तरह नून लिखा है यहाँ पर नून से ना चिपक गया। तो देखिए ये हो गया आप लोगों का वय, काफ से क और सीन के नीचे जेर और छोटी जुड़कर सी और नून से ना, तो वय क सी न वैक्सीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 45 कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर है पै, पौ को उर्दू में पे कहते हैं, यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को बताई, पे से प हो गया। उसके बाद से पै यानी कि ए की मात्रा में बदलने के लिए पे के ऊपर दबर लगाकर इसमें बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से देखिए अगला अक्षर देखने से पहले ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, बिंदु वाला न है, ऊपर बिंदु वाला ना है, तो इस बिंदु वाले नाव को उर्दू में क्या कहते हैं ये सोचिए। सबसे पहले इस बिंदु वाले नाव को उर्दू में मैं आप लोगों को बताई हूँ क्या कहते हैं, नून ही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नून लिख दीजिए। और उसके बाद से अब अगला अक्षर देखिए ता, तो को उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, तो यहाँ पर ते आप लोग को लिख देना है, ते से त हो गया। ता बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। उसके बाद से ली है, ल को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, लाम से तो ला हो गया, ली है, तो देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है ली में, तो यहाँ पर बड़ी वाली ई की मात्रा है। ठीक, ली में, तो किसी भी अक्षर को, उर्दू के अक्षर को अगर बड़ी ई की मात्रा में बदलना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर उसमें छोटी ये जोड़ देते हैं तो वो अक्षर बड़ी ई की मात्रा में बदल जाता है। उसके बाद से सौ है, सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, ऐसे लिख दीजिए। ठीक, अब इन सबको जोड़ देना है आप लोगों को आसानी से, 45 आप लोग लिख लेंगे। जोड़िए, पे का आधा भाग आप लोगों को उठाना है ऐसे। ठीक, पे के ऊपर जबर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे आकर जुड़ जाएगी, जिस तरह यहाँ पर पै हुआ था यहाँ पर भी पै हो गया। उसके बाद से ऊपर बिंदु वाला ना के लिए ये वाला ना जो है ना, ना का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया पै, और उसके बाद से ते का आधा भाग आप लोग को इसी में उठा लेना है, ये हो गया ते, और ते से ता हो गया, ता बनाने के लिए जो अलिफ है ले जाकर इसी ते में जोड़ दीजिए, ते में अलिफ जुड़कर ता हो गया, बै ता। ठीक है, अब बस क्या करना है, लाम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे अलग से, लाम के नीचे जेर है मन में मान रहे हैं, और बस ये जो छोटी है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी लाम में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। तो लाम के नीचे जेर और छोटी है जुड़कर ये हो गया बड़ी वाली ली, और उसके बाद से लास्ट में जो सीन है ना, पूरा का पूरा जिस तरह सीन लिखा है उसी तरह ले जाकर ऐसे इसमें चिपका दीजिए पूरा। तो ये हो गया पै ता ली सा, 45, कितना आसानी से हम लोग 45 भी लिख लिए। तो इसी तरह अब आप लोगों को क्या करना है, इन सभी शब्दों को फटाफट अपने माइंड में सोचना है कि ऐसे लिखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगला शब्द है पैदखाना, तो अपने माइंड में सोच लीजिए, मेरे बताने से पहले, मेरे लिखने से पहले बोर्ड पर आप लोग माइंड में सोच लीजिए, कॉपी पर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, माइंड में सोच लीजिए कि हाँ पैदखाना ऐसे लिखा जाना चाहिए, और फिर मैं बता रही हूँ तो देखिए कि आप लोग सही सोचे हैं कि नहीं। ठीक, कि ऐसे कैदखाना लिखा जाना चाहिए कि नहीं, तो चलिए सोचिए कि आप लोग कैदखाना कैसे लिखेंगे, अपने हिसाब से सोचिए कि कैदखाना कैसे लिखा जाता है, और मैं आप लोग को बता रही हूँ तो मिलाइए। कैदखाना सबसे पहला अक्षर क्या है, कै, तो ध्यान दीजिए
क के नीचे क्या है, बिंदु, यानी कि ये बिंदु वाला क है। बिंदु वाले क को क्या कहते हैं, ये वाला काफ कहते हैं। काफ से क हो गया। क बनाने के लिए काफ के ऊपर जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। द है, द को उर्दू में दाल कहते हैं। उसके बाद से खा है, ख को उर्दू में खे कहते हैं। खे से तो ख हो गया। ख बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं। ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। ठीक, अब इन सब को जोड़ देना है। देखिए, काफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, ठीक। और काफ के ऊपर क्या है, ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं। बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और काफ में ऐसे आकर जुड़ जाएगी। तो ये हो गया आप लोग का कै। और उसके बाद से दाल जो है ना, दाल को पूरा का पूरा ले जाकर इसी में चिपका दीजिए। तो ये हो गया आप लोग का कैद, ठीक। और इसको कैदी भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैद। उसके बाद से खाना लिखना है आप लोगों को। खे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, खे हो गया, और खे में अलिफ जोड़ दीजिए तो ये खा हो गया, ठीक। और उसके बाद से नून का आधा भाग उठा लेना है, नून से ना हो गया, और नून में ये अलिफ जोड़ दीजिए तो ना हो गया। तो देखिए, कैद खाना, कैद खाना कितना आसानी से लिखा गया। लेकिन उर्दू में ना, ये जो लास्ट में ना है, अलिफ नहीं दिया जाता है, लास्ट में ऐसे हे दे दिया जाता है उर्दू में। कैद आप लोगों के हिसाब से इसी तरह कैद खाना लिखा जाना चाहिए, ठीक है, आप लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे। लेकिन उर्दू में ऐसे कैद खाना नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है कैद खाना, लास्ट में अलिफ हटाकर हे लगा दिया जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये होता है सही तरीके से उर्दू में कैद खाना, ऐसे लिखा जाता है, ठीक। और इस तरह अगर आप सोचे हैं तो भी ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से सोचे हैं, बट उर्दू में ऐसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नैनीताल। नए है सबसे पहला अक्षर, तो नून से ना होता है, ठीक। नए बनाने के लिए नून के ऊपर जबर लगा दीजिए और बड़ी ये जोड़ दीजिए, नए हो जाएगा। फिर नी है, नौ को उर्दू में नून कहते हैं, नून से ना हो गया। नी बनाने के लिए देखिए, नी में कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो नी में बड़ी वाली ई की मात्रा है ना, तो इस नून से जो ना हो रहा था, इसको नी बनाने, बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए इस नून के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दीजिए, तो ये बड़ी वाली नी यानी कि बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से ता है, तो उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, ठीक। ते लिख दिए, ते से ता हो गया। ता बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। और ल है, ल को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं। अब इन सबको जोड़ देना है। नून का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट, नून का आधा भाग उठा लिए। नून के ऊपर क्या है, ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं। बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी नून में आकर ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आप लोगों का नए। उसके बाद से फिर से ये नून का आधा भाग उठा लेना है, ठीक। और नून के नीचे अब हम लोग जेर मान रहे हैं, लिखेंगे नहीं, ठीक। और ये जो छोटी है ये भी अपना शक्ल चेंज करेगी, और जिस तरह बड़ी ये अपना शक्ल बना ली है ना जुड़कर, उसी तरह छोटी ये भी आकर शक्ल बनाकर जुड़ जाएगी नून में। तो देखिए, नून के ऊपर हम लोग ज़बर मान रहे हैं और इस ये को बड़ी है, तो ये हो जा रहा है नए। और नून के नीचे जेर मान रहे हैं और इसको छोटी है, तो नी, नए नी। जबकि देखेंगे तो दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, जिस तरह यहाँ पर नून है उसी तरह यहाँ पर, जिस तरह यहाँ पर ये है उसी तरह यहाँ पर ये है। लेकिन इस ये को हम लोग बड़ी ये मान रहे हैं, इस ये को छोटी ये मान रहे हैं, और नून के ऊपर ज़बर मान रहे हैं। ये देखिए, अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ देख जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। लेकिन आप पढ़ सकते हैं, अगर इस ये को छोटी ये मानते हैं और इस नून के नीचे जेर, तो नून के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर नी और नी, नी 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 नी, कुछ नहीं समझ में आता, ठीक। हम लोगों को लिखना क्या है, नैनी। तो नून के ऊपर ज़बर मान रहे हैं और इस ये को बड़ी है, तो नए। और नून के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर नी। और उसके बाद से ते का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है। ते का आधा भाग उठा लिए और ते से ता हो गया। ता बनाने के लिए जो अलिफे ले जाकर चिपका दीजिए, और लाम जो है ना पूरा का पूरा ले जाकर इसको भी जोड़ देना है इसी में, ठीक। तो देखिए, ये हो गया नए, और नून के नीचे जेर और छोटी जुड़कर नी, तो नए नी और ता और ल, नैनी ताल। कितना आसानी से हम लोग नैनी ताल भी लिखिए। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद। सबसे पहला अक्षर है। ह को उर्दू में क्या कहते हैं, ह को उर्दू में हे कहते हैं। हे से तो ह हो गया। है बनाने के लिए इस हे के ऊपर जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, है हो गया। द है, द को उर्दू में दाल कहते हैं। रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं। रा बनाने के लिए सीरे में अलिफ जोड़ दीजिए। और बा है, ब को उर्दू, एक मिनट, हैदराबाद, हाँ बा है, तो बा उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं। और बा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। और द है, द उर्दू में क्या कहते हैं, दाल कहते हैं, ठीक। अब इन सबको जोड़ देना है आप लोगों को। देखिए, हे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, उठाइए फटाफट। हे के ऊपर क्या है, ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं। और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी हे में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। तो ये हो गया हे के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर है। उसके बाद से दाल को ले जाकर पूरा का पूरा इसी में चिपका देना है, ठीक। और रे, रे को इस
यहीं पर लाकर चिपका दीजिए ऐसे। और रे में क्या है, अलिफ जोड़ा हुआ है, तो ये हो गया हैदरा। उसके बाद से बे का आधा भाग उठा लेना है, ठीक। और बे में अलिफ जोड़ देंगे तो बा हो जाएगा, और दाल जो है ना पूरा का पूरा ऐसे लाकर चिपका दीजिए। तो देखिए ये हो गया हैदरा और ये हो गया बाद, हैदराबाद। आप लोगों के हिसाब से हैदराबाद इस तरह लिखा जाना चाहिए, लेकिन उर्दू में पता है हैदराबाद कैसे लिखा जाता है? जिस तरह ये आप लोग लिखे थे उसी तरह लिखिए, ठीक है। ये हो गया है दर, हैदर लिखा जाता है। यहाँ पर जो हैदरा हो जा रहा था, हे के ऊपर जबर और बड़ी जुड़कर है और दाल से द हैद और रे में अलिफ जुड़कर रा, तो ये हैदरा और बाद लिख रहे थे ना, हैदरा और बाद। यहाँ पर उस तरह नहीं होता है उर्दू में, देखिए है और ये दाल से द हो गया और रे में ये रे इसी में आकर जुड़ गया, तो पहले हैदर लिख दिया जाता है, उसके बाद से अलिफ के ऊपर मद देकर और ये आ हो जाएगा, और उसके बाद से बे में अलिफ जुड़कर बा और दाल से दा, ठीक है। हैदर आबाद होता है, क्या होता है, हैदर आबाद। ये सही तरीके से इस तरह उर्दू में लिखा जाता है। ये हैदराबाद आप लोगों के हिसाब, हैदराबाद कैसे बना है, हैदर प्लस आबाद बना है ना, हैदर प्लस आबाद तब जाकर हैदराबाद बना है ना, तो वही वाला बात। ये हैदर पहले इस तरह लिखा गया है उर्दू में और फिर आबाद लिख दिया गया है इस तरह, हैदर आबाद, ठीक। इस तरह नहीं लिखा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हैसियत। हैसियत में सबसे पहला अक्षर है, हक उर्दू में क्या कहते हैं, हक उर्दू में अभी बताइए ना, हे कहते हैं, हे से तो हो गया, हे के ऊपर जबर लगाकर और बड़ी ये जोड़ दीजिए तो ये है हो जाएगा। उसके बाद से सी है, सौक उर्दू में क्या कहते हैं, सौक उर्दू में सीन कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर से का यूज़ करेंगे, ठीक। से सौ हो जाएगा, और सी बनाने के लिए देखिए इस सी में कौन सी वाली ई की मात्रा है, तो यहाँ पर इस सी में छोटी वाली ई की मात्रा है, ठीक है। तो अब सोचिए कि किसी भी उर्दू के अक्षर को छोटी ई की मात्रा में कैसे बदला जाता है। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बताई हूँ कि किसी भी उर्दू के अक्षर को छोटी ई की मात्रा में बदलना है तो उस अक्षर के नीचे सिर्फ जेर लगा दीजिए तो वो अक्षर छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगा। तो ये से सौ हो जा रहा था, लेकिन से के नीचे जेर लगा दिए तो ये सी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से य है, य को उर्दू में क्या कहते हैं, छोटी ये कहते हैं। उसके बाद से त है, त को उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं। इन सबको जोड़ दीजिए, हे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, ऐसे उठा लिए, हे के ऊपर जबर है, हम लोग मन में मान रहे हैं बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। तो ये हो गया आप लोगों का है। उसके बाद से का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, ये हो गया आप लोगों का से, और से के नीचे क्या है, जेर है, तो से के नीचे जेर हम लोग मान रहे हैं तो ये हो जा रहा है सी। तो ये हो गया है और ये हो गया सी, से के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग मन में मान रहे हैं तो है सी। उसके बाद से ये जो छोटी ये है लाकर यहाँ पर इसी में जोड़ दीजिए, तो ये छोटी ये से हो गया आप लोगों का य, ठीक। और लास्ट में ये त पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे चिपका देना है, ठीक। तो देखिए ये हो गया है और से के नीचे जेर है तो सी, छोटी वाली सी, तो है सी और ये से य और ते से त, यत है सी, यत है सी, यत। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम। कै है, कौक उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। और कै बनाने के लिए काफ के ऊपर जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से कैल्शी, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, आधा ल आ रहा है, तो सोचिए पूरा ल को उर्दू में क्या कहते हैं, पूरा ल को उर्दू में लाम कहते हैं, और इसको आधा ल बनाने के लिए लाम का आधा भाग कट दीजिए ऐसे, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का आधा लाम से आधा ल। उसके बाद से क्या है, अब शी, तो शी में कौन सी वाली ई की मात्रा है, तो शी में छोटी वाली की माता है। पहले सोचिए शौक उर्दू में क्या कहते हैं, शौक उर्दू में ये बड़ी शीन कहते हैं क्योंकि वहाँ पर तालाब शाह है, ठीक है। तो बड़ी शीन से शौ हो गया और शी में छोटी वाली ई की मात्रा है ना, देखिए इधर से है शी। तो किसी भी अक्षर को छोटी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे सिर्फ जेर लगा देते हैं। शीन से शौ हो जा रहा था, छोटी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए यानी कि शी बनाने के लिए शीन के नीचे क्या कर दिए, हम लोग जेर लगा दिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का शी। उसके बाद से य है, य को उर्दू में क्या कहते हैं, छोटी ये कहते हैं। यही वाला हाल हुआ है यहाँ पर, जिस तरह से स हो जा रहा था और इसको सी बनाने के लिए, छोटी वाली सी बनाने के लिए जेर लगा दे रहे थे, वही वाला बात यहाँ पर भी हुआ है। शीन से स हो जा रहा था और छोटी वाली शी यानी कि छोटी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए इस शीन के नीचे बस जेर लगा देना है, तो शी हो गया। उसके बाद से ये से य हो गया, छोटी ये से। उसके बाद से म है, म को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। अब जोड़िए फटाफट, काफ का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, उठा लिए काफ का आधा भाग, ठीक। और काफ के ऊपर क्या है, जबर है,
ठीक है, काफ के ऊपर जबर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी काफ में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा काफ के ऊपर जबर और बड़ी है जुड़कर कै। उसके बाद से लाम का आधा भाग उठा लेना है और इसी में ले जाकर ऐसे चिपका देना है, तो आधा लाम से आधा ला हो गया। उसके बाद से शीन है, शीन का ये नुकीदार भाग आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और शीन के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग मन में मान रहे हैं। तो देखिए ये हो गया कै और लाम से ला, कैल और शीन के नीचे क्या है, जेर है, तो शीन के नीचे जेर जुड़कर ये छोटी वाली शी की मात्रा में अब बदल गई। ठीक, तो कैल शी, यहाँ तक तो कैल शी हो गया, बस यम जोड़ देना है, ये जो छोटी ये है, छोटी ये से य, तो बस ये अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसे आकर जुड़ जाएगी। ठीक, तो ये छोटी ऐसे य हो गया, ये वाला य, और उसके बाद से मीम जो है ना पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे लास्ट य में जोड़ देना है। ठीक है, तो कैल्शी और य और म, तो कैल्शियम, तो देखिए ऐसे कैल्शियम लिखा जाता है उर्दू में। ठीक, आगे बढ़ते हैं बैलगाड़ी, ये तो लिखना बहुत ज़्यादा आसान है, बै है, बौक उर्दू में क्या कहते हैं, बौक उर्दू में बे कहते हैं, बै बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से ला है, ला को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं। गा है, गौ को उर्दू में गाफ कहते हैं, और गा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए गाफ में। ठीक है, गाफ से गौ हो जा रहा था, गा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। और फिर री है, रा को उर्दू में रे कहते हैं, ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और रे से तो रा हो गया, री बनाने के लिए री में देखिए कौन सी वाली ई की मात्रा है, तो बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस रे के नीचे जेर लगाकर और छोटी ये जोड़ देंगे, तो ये बड़ी वाली री ई की मात्रा में बदल जाएगा। ठीक, अब जोड़िए, बे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, बे के ऊपर क्या है, ज़बर है, हम लोग मन में मानेंगे, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी बे में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक, तो बे के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर ये हो गया बे, और लाम पूरा का पूरा जो है ना, ये जो पूरा का पूरा लाम है इसको ले जाकर इसी में ऐसे चिपका देना है। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का बे और लाम से ला, ये बैल, बैल इस तरह लिखा गया। ठीक, अब गाड़ी बस जोड़ देना है इसी में, गाड़ी लिख देना है, गाफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और ये जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर ऐसे गोल हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद से गा बनाने के लिए ये अलिफ जो है ना इसी गाफ में ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये हो गया बैल और ये गा हो गया, और बस ये जोड़े हैं जिस तरह लिखा है उस तरह लिख देंगे। एक मिनट इसको अच्छे से मैं बना दूँ, और डे के नीचे जेर हम लोग मन में मारेंगे और ये जो छोटी है अपना शक्ल चेंज करके इसी में जुड़ जाएगी, तो ये हो गया गाड़ी, तो ये हो गया बैल और ये हो गया गाड़ी, बैलगाड़ी। ठीक, आगे बढ़ते हैं मटमैला, मटमैला में सबसे पहला अक्षर मौ, मौ उर्दू में मीम कहते हैं, मीम से तो मौ हो गया। उसके बाद से टॉ है, टॉ उर्दू में टे कहते हैं। उसके बाद से क्या है, मैं, मौ उर्दू में फिर से मीम लिख दीजिए, मैं बनाने के लिए, मीम से मौ हो गया, मैं बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से ला है, ला उर्दू में लाम कहते हैं, ला बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़ देना है आप लोगों को, मीम का ये बिंदु वाला भाग आधा भाग उठा लेना है ऐसे। ठीक, मीम हो गया, और ये जो टॉ है, टॉ इसको आप जोड़ दीजिए, आधा भाग उठा लीजिए, नहीं पूरा पूरा उठा लेना है आप लोगों को ऐसे, मीम पूरा का पूरा जो है ना टे ले जाकर इसी मीम में जोड़ देना है, तो ये हो गया मट। उसके बाद से फिर से मीम का आधा भाग आप लोगों को उठाना है ऐसे, और मीम के ऊपर क्या है, ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो बड़ी अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी मीम में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक, तो मीम के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर मैं, उसके बाद से लाम का आधा भाग ऐसे उठा लेना है ऐसे, और उसके बाद से अलिफ ले जाकर चिपका दीजिए, ला हो जाएगा। ठीक है, तो मट मैं ला, मटमैला। ठीक, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे चार अक्षर से मिलकर बने ए मात्रा वाले शब्दों को उर्दू में लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। अब हम लोग इसको फटाफट करेंगे। ठीक, आप लोग माइंड में सोचते चलिएगा कि हाँ ऐसे लिखा जाना चाहिए, और मैं आप लोग को बताते चल रही हूँ और मिलाते चलिएगा कि आप लोग सही सोच रहे हैं। ठीक, अब हम लोग फटाफट करते हैं। देखिए, कैलेंडर, सबसे पहला अक्षर कै, कौ को उर्दू में काफ कहते हैं, लिख दीजिए, काफ के ऊपर जबर लगाकर बड़ी जोड़ दीजिए, कै हो जाएगा। ले है, ला को उर्दू में लाम कहते हैं, और यहाँ पर क्या है, ले है, यानी कि ए की मात्रा में है, तो किसी भी अक्षर को ए की मात्रा में कैसे बदला जाता है, उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर और उसमें बड़ी ये जोड़ दिया जाता है। ध्यान दीजिए, अगर अलिफ के ऊपर जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, और अगर अलिफ के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए तो ये ए हो जाएगा। ठीक, याद रखना है, जेर लगाकर बड़ी ए जुड़े तो ए, और ज़बर लगाकर बड़ी ए जुड़े तो ए। ठीक, तो यहाँ पर कै बनाने के लिए ज़बर लगाकर बड़ी ए जोड़ दे रहे थे ए की मात्रा में बदलने के लिए, और ए की मात्रा में बदलने के लिए जेर लगाकर बड़ी ए जोड़ दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से अगला अक्षर है ड, ड को उर्दू में क्या कहते हैं, एक मिनट, ड लिखने से पहले ऊपर बिंदु वाला ना, तो देखिए ऊपर बिंदु वाला ना है, तो उस बिंदु वाले ना को क्या कहते हैं, नून कहते हैं।
अब आगे बढ़िए। ड है, क्या कहते हैं ड को उर्दू में? ड को उर्दू में डाल कहते हैं, लिख दीजिए यहाँ पर। डाल से ड हो गया, उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ देना है। देखिए काफ का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, और काफ के ऊपर क्या है, ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं। बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और इसी काफ में आकर जुड़ जाएगी, तो ये हो गया आप लोग का कै। उसके बाद से लाम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और लाम का आधा भाग उठा कर, और लाम के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग मन में मान रहे हैं। और देखिए आपके हिसाब से ये बड़ी है यहाँ पर जुड़ जाना चाहिए ऐसे लाम में, तो चलिए जोड़ दिए। लाम के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया ले, कै ले, और नून का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, नून से न, और डाल जो है ना इसी में ऐसे जोड़ दीजिए और रे ले जाकर चिपका दीजिए। आपके हिसाब से ऐसे कैलेंडर लिखा जाना चाहिए, लेकिन उर्दू में ऐसे कैलेंडर नहीं लिखा जाता है। कैलेंडर जो है ना, लेंडर, कैलेंडर, तो लाम के नीचे ये जोर जेर लगाकर बड़ी ये लगा रहे थे ना, ये बड़ी ये नहीं लगाना है यहाँ पर, बिना बड़ी ये लगाए सिर्फ ले जाकर ये नून को ही इसी लाम में ऐसे जोड़ देना है, ठीक। उसके बाद से डाल और फिर रे, ये हो जाएगा आप लोग का कैलेंडर। इस तरह उर्दू में कैलेंडर लिखा जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों ऐसा क्यों हो गया, किसी भी अक्षर को एक ही मात्रा में बदलने के लिए जेर लगाकर बढ़िया जोड़ा जाता है, तो हम लाम के नीचे जेर लगाकर बढ़िया जोड़े और यहाँ पर बढ़िया जोड़ना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आप लोगों को ये भी बात बताई हूँ कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है ना कि सिर्फ जेर लगा दो उस अक्षर के नीचे तो वो अक्षर एक ही मात्रा में बदल जाता है, तो वही यहाँ पर भी हुआ है। लाम के नीचे सिर्फ जेर लगा देंगे ना तो वो एक ही मात्रा में बदल जा रहा है, तो ये हो गया कै, और लाम के नीचे क्या है, जेर है, तो लाम के नीचे जेर जुड़कर ये ले पढ़ा जाएगा, ठीक। इसमें बढ़िया जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कै ले, और नून से ना हो जा रहा था ऑर्डर, तो कैलेंडर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कैशबैक। कै है कौक उर्दू में, काफ कहते हैं, कै बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दिए, शीन है, शौक उर्दू में ये तलाबे शाह है तो बड़ी शीन कहते हैं, लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद से बै है, बौक उर्दू में बे कहते हैं, बै बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दिए। उसके बाद से क है, कौक उर्दू में काफ कहते हैं। अब इन सबको जोड़ देना है। काफ का आधा भाग आप लोग को उठाना है ऐसे, और काफ के ऊपर क्या है, जबर है, बड़ी ये आकर ऐसे जुड़ जाएगी, कै हो जाएगा, और शीन जो है ना पूरा का पूरा ले जाकर इसी में ऐसे जोड़ देना है, तो ये हो गया आप लोग का कैश। और फिर अलग बैक लिख देना है, बे का आधा भाग ऐसे उठा लीजिए, और बे के ऊपर क्या है, ज़बर है, और ज़बर हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके इसी बे में आकर ऐसे जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा बै, और काफ पूरा का पूरा आकर इसी में ऐसे जुड़ जाएगा, तो बैक, कैश बैक, कैश बैक। आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, एक मिनट देख लूँ, हाँ, तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कैशबैक, मुझे लगा कि कट जा रहा होगा लेकिन नहीं, कटा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पैगंबर, पैगंबर, तो पै है, पौ उर्दू में क्या कहते हैं, पे कहते हैं, लिख दीजिए। पै बनाने के लिए, पे से तो पौ हो गया, पै बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। ग है, ग उर्दू में यहाँ पर गैन करेंगे, क्या कहेंगे, गैन से ग, ठीक है, गैन से ग हो गया। उसके बाद से ग के नीचे बिंदु है, याद रखिएगा, ग के नीचे मैंने बिंदु लिखना भूल गई थी, तो ग के नीचे बिंदु है ना, तो इस बिंदु वाले ग को गैन कहते हैं, ठीक। उसके बाद से म है, आधा म, तो सोचिए पूरा म को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं, ठीक, पूरा म को उर्दू में मीम, तो यहाँ पर क्या है, आधा म है, तो मीम का आधा भाग काट दीजिए, आधा मीम से आधा म हो गया, ठीक। उसके बाद से ब है, ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं, एक मिनट प्लस नहीं दी हूँ, ब को उर्दू में बे। उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे। अब इन सबको जोड़ दीजिए, पे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, ठीक। पे के ऊपर क्या है, ज़बर है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे आकर जुड़ जाएगी, तो ये हो गया आप लोग का पे। फिर गैन जो है ना किसी दूसरे अक्षर में जुड़ता है, तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बताई हूँ, ये गैन अपना शक्ल चेंज कर लेता है और ऐसे बन जाता है, ठीक है। देखिए इसमें आकर ऐसे बन जाएगा, ऐसे जैसे कि आप बनाते हैं ना इस तरह, ऐसे आप त्रिकोण बनाते हैं ऐसे, उसी तरह आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अब त्रिकोण ऐसे बनाकर इसको थोड़ा सा ऐसे और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाता है, ठीक, तो उसी तरह। तो यहाँ पर गैन जो है ना अपना शक्ल चेंज करके ऐसे आकर जुड़ गया, गैन से ग हो गया, और मीम जो है ना, मीम का ये आधा भाग इसी में आकर ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक, ये मीम हो गया। तो ये देखिए पे और गैन से ग और मीम से म हो गया, और बस ये बे का आधा भाग ऐसे लेकर जाना है और इसी में चिपका देना है, और रे को तो पूरा का पूरा इसी में लाकर ऐसे जोड़ देना है, ठीक। तो देखिए पे और गैन से ग और मीम से म, तो पैगम और बे से ब और रे से र, तो पैगंबर, पैगंबर, कितना आसानी से हम लोग पैगंबर लिख लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है पैराशूट। पै है, प उर्दू में पे कहते हैं, पै बनाने के लिए जबर लगा कर बढ़िए जोड़ दीजिए फटाफट। रा है, रा उर्दू में रे कहते हैं, रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। उसके बाद से शू है, शू में ना ये बड़ा वाला शू रहेगा, ठीक, तो शौक उर्दू में क्या कहते हैं, शीन कहते हैं, ये
तालाब शो को बड़ी श्रीन, ठीक। और शू बनाने के लिए ये बड़ा वाला ऊ की मात्रा है ना शू में, तो इस अक्षर के ऊपर पेश लगा दिया जाता है और वाव जोड़ दिया जाता है। किसी भी अक्षर को अगर बड़ा ऊ की मात्रा में बदलना है तो उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ दिया जाता है, मैं आप लोग को बताएंगी। तो वो बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदल जाता है, शिन से नॉर्मली शो हो जा रहा था, शिन के ऊपर पेश लगा दिए और वाव जोड़ दिए, तो ये बड़ा वाला शू हो जाएगा। उसके बाद से ट है, ट को उर्दू में क्या कहते हैं, टे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, पे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, ऐसे पे के ऊपर क्या है, ज़बर है, ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी, ऐसे आकर जुड़ जाएगी। तो ये हो गया आप लोग का पे, और रे जो है ना इसी में लाकर ऐसे चिपका दीजिए, ठीक है, और रे में अलिफ ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। तो ये हो गया पे और रा, पैरा हो गया। और ये जो शीन है ना, शीन को ऐसे लाइए और इसी में वाव जोड़ दीजिए, शीन के ऊपर तो पेश है, बस मैं ये जो शीन में, शीन के आधे भाग में मैं ऐसे वाव जोड़ दी, शू हो गया। और ये टे जो है ना पूरा का पूरा इसी में आकर ऐसे चिपक जाएगा, ठीक। तो देखिए पैरा और शू और टॉप, पैराशूट, ठीक। आगे बढ़ते हैं वैद्यनाथ, वैद्यनाथ होता है, वैद्यनाथ नहीं, वैद्यनाथ, ठीक। तो ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं। बे बनाने के लिए जबड़ लगाकर बड़ी जोड़ दीजिए। द है, द को उर्दू में दाल कहते हैं। ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं। ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। उसके बाद से थ है, जिस तरह टी से ट और टी में एक एच जोड़ देते हैं, टी एच से ता, उसी तरह उर्दू में ते से ता होता है, मैं आप लोगों को बताई हूँ। और इसी ते का आधा भाग में एच ले जाकर ऐसे जोड़ दिया जाता है, यानी कि है, तो ये हो जाता है था, ठीक। तो जोड़िए सबको, बे का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, बे के ऊपर जबर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके जुड़ जाएगी। तो ये हो गया आप लोगों का बे। उसके बाद से दाल को ले जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो गया बैद। और नून का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, और नून में अलिफ जोड़ दीजिए, ना हो जाएगा। और लास्ट वाला ये तो थ है, पूरा का पूरा ले जाकर जोड़ दीजिए। तो देखिए ये दोनों बिंदु अच्छे से लिख दूँ, हाँ ठीक। तो ये हो गया बैद और ये हो गया नाथ, बैद्यनाथ। आगे बढ़ते हैं बैजनाथ, जिस तरह बैद्यनाथ लिखे उसी तरह बैजनाथ लिखिए। बे के ऊपर जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से ज है, ज को उर्दू में जिम कहते हैं। उसके बाद से नून से ना, ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। उसके बाद से थ हो गया ये, ठीक है। बे का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को, बे के ऊपर ज़बर है, बस ये जो बड़ी अपना शक्ल चेंज करके ऐसे आकर जुड़ जाएगी। तो ये हो गया आप लोगों का बे, बे हो गया। और बस ये जिम जो है ना इसी में आकर ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक है। देखिए जिम का ये भाग यहाँ पर लाकर ऐसे जोड़ दिए, ये हो गया आप लोगों का जिम, बे और ज, बैज हो गया। उसके बाद से ये नून का आधा भाग इसी में ऐसे जोड़ देना है और अलिफ ले जाकर इसमें चिपका देना है, तो नून में अलिफ जुड़ करना। और ये जो थ है पूरा का पूरा इसी के पास लाकर चिपका देना है। तो ये हो गया बे, बे और ज, बैज, ना और थ, नाथ, बैजनाथ। आगे बढ़ते हैं थाईलैंड, थ को उर्दू में अभी बताई इस तरह लिखा जाता है थ, तो लिख दीजिए। और ये तो थ हो गया, था बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। उसके बाद से ई है, तो कैसे लिखेंगे ई, हमजा से अ होता है, मैं आप लोगों को बताई हूँ, हमजा से अ होता है। और इसको ई बनाने के लिए, यहाँ तक कि अलिफ से भी अ होता है, एन से भी अ होता है, लेकिन हम लोग हमजा यहाँ पर यूज़ करेंगे, हमजा से अ, क्योंकि यहाँ पर ई बनाना है ना, तो हमजा से तो अ हो गया, लेकिन इसको बड़ी वाली ई बनाने के लिए इस हमजा के नीचे ज़ेर लगाकर और इसमें छोटी ये जोड़ देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगी ई, उसके बाद से बड़ी वाली ई, दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाएगी ऐसे। देखिए जब दोनों ये मिलेगी ना, हमजा के नीचे ज़ेर और ये छोटी ई मिलेगी, तो पता है क्या होगा, ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे बड़ी ई बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ। ल है, ल को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं। ल बनाने के लिए जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए। उसके बाद से ऊपर बिंदु वाला ना है, तो बिंदु वालों न को उर्दू में नून कहते हैं। उसके बाद से ड है, ड को उर्दू में डाल कहते हैं, लिख दीजिए फटाफट। देखिए थ जिस तरह लिखा था उसी तरह लिखना है आप लोगों को, था बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। और ये जो मैं आप लोगों को भी बताई ना, हमजा के नीचे ज़ेर और छोटी ये जुड़कर बड़ी वाली ई हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़िए तो ऐसे बन जाता है, ठीक। हमज़ा, ये हो गया हमज़ा और इसी में ये जुड़ गया, ठीक। तो हमज़ा के नीचे ज़ेर और ये जुड़कर ई और थाई, ये हो गया आप लोग का थाई। और ले, लाम का जो आधा भाग है ना ऐसे उठा लीजिए, लाम का आधा भाग, एक मिनट रुक जाइए, लाम का आधा भाग ऐसे उठा लिए। और लाम के ऊपर क्या है, ज़बर है, मन में मान रहे हैं हम लोग, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके ऐसे जुड़ जाएगी। तो ये हो गया आप लोग का लाम के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर लय, और नून का आधा भाग ऐसे उठा लेना है और डाल जो है ना पूरा का पूरा ऐसे चिपका देना है, ठीक। तो लय हो गया और नून के ऊपर, नून से ये ऊपर बिंदु वाला ना हो गया और डाल से ड, ठीक। तो देखिए थाई, थाई और लय और नून से ना और डाल से ड, लैंड, थाईलैंड, ठीक। आगे बढ़ते हैं मैलापन, मैं है, माँ को उर्दू में मिम कहते हैं, लिख दीजिए यहाँ पर फटाफट। मिम के ऊपर जबर लगाकर बड़ी ये जोड़ दीजिए, मैं हो जाएगा। ला है, ला को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं। और ला बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। उसके बाद से प है, प को उर्दू में क्या कहते हैं, पे कहते हैं। उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं, ठीक।
मीम का आधा भाग ऐसे उठा लीजिए, उठा लिए, मीम के ऊपर क्या है, ज़बर है, बढ़िया आकर ऐसे जुड़ जाएगी, मैं हो गया। उसके बाद से लाम का आधा भाग ऐसे उठा लेना है और लाम में अलिफ जुड़ देना है तो ला हो जाएगा, तो मैं ला, मैला हो गया। और बस पे का आधा भाग उठा लेना है और इसी में नून पूरा का पूरा ऐसे जोड़ देना है, तो प और न पन, तो मैं ला पन, मैं ला पन। आगे बढ़ते हैं जैकलिन, कैसे लिखेंगे जैकलिन, जिम का जॉक उर्दू में क्या कहते हैं, जिम कहते हैं, जिम से ज हो गया, जय बनाने के लिए जिम के ऊपर जबर लगा कर और इसमें बड़ी ये जोड़ दीजिए, ठीक। उसके बाद से क है, क उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। उसके बाद से ली है, लेकिन यहाँ पर ली जो है ना इधर से रहेगा, ली में बड़ी वाली ई की मात्रा रहेगा, ठीक है। तो लाम से तुला हो गया, इसको बड़ी वाली ली ई की मात्रा बदलने के लिए लाम के नीचे जेर लगा कर छोटी ये जोड़ देंगे, यहाँ पर गलती से छोटी वाली मतलब ई डला गया है, जैकलिन ऐसे लिखा जाता है, जैकलिन इधर से रहेगा, ठीक है, लीन इधर से ली, ठीक है। तो लाम के नीचे जेर लगाकर और छोटी ये जोड़ दिए तो ये बड़ी वाली ली में हो गया, ये वाला ली बन गया। उसके बाद से ना है, ना उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, ठीक। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जिम का आधा भाग आप लोग को उठाना है ऐसे और जिम के ऊपर क्या है, ज़बर है, बस ये बड़ी आकर ऐसे जुड़ जाएगी, तो ये हो गया आप लोग का जय। और काफ का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है और लाम का भी आधा भाग ऐसे उठा लेना है, लाम के नीचे क्या है, जेर है, बड़ी ये जो छोटी अपना शक्ल चेंज करके इसी में आकर ऐसे जुड़ जाएगी, एक मिनट, हाँ, तो लाम के नीचे जेर और छोटी है अपना शक्ल चेंज करके जुड़ गई तो ली हो गया। और नून का पूरा भाग ऐसे ले जाकर चिपका देना है, तो देखिए ये हो गया जय काफ से क और ये हो गया ली, लाम के नीचे जेर और छोटी जुड़कर ली और नून से ना, तो जय क ली ना, जय क्लीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गैर कानूनी, गैर कानूनी में सबसे पहला अक्षर गए, नीचे बिंदु वाला गा है तो इसको गैन कहेंगे, गैन से गा और गए बनाने के लिए ज़बर लगा कर बड़ी ये जोड़ दीजिए, रा है, रा उर्दू में रे कहते हैं, का है, का उर्दू में देखिए नीचे बिंदु वाला का है तो इसको ये वाला काफ कहेंगे, क हो गया और का बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, नू है, ना उर्दू में नून कहते हैं और देखिए नू में कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो नून के ऊपर पेश लगा कर इसमें वाव जोड़ दीजिए। उसके बाद से फिर नी है, ना उर्दू में नून और नी बनाने के लिए नी में देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है तो बड़ी वाली ई की मात्रा है तो नून के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दीजिए तो ये बड़ी वाली नी की मात्रा में बदल जाएगा। अब इन सबको जोड़ देना है आप लोगों को, देखिए गैन का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट ऐसे, ठीक। और गैन के ऊपर क्या है, ज़बर है, बस ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करके आकर इसी में गैन में जुड़ जाएगी, ठीक। तो गैन के ऊपर ज़बर और बड़ी जुड़कर ये हो गया गए और रे जो है ना इसी में आकर ऐसे जुड़ जाएगा, तो गए और गैर हो गया। अब बस कानूनी लिख देना है, काफ का ये आधा भाग उठा लीजिए, ठीक, और काफ में अलिफ जोड़ दीजिए, का हो जाएगा। नून का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को, ठीक है, और नून के ऊपर क्या है, पेश है, ये जो वाव है आकर इसी में जुड़ जाएगा, तो नून के ऊपर पेश और वाव जुड़कर नू, बड़ा वाला नू, और नून का फिर से आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, ये वाला नून का, और नून के नीचे क्या है, जेर है, बस ये जो छोटी है जिस तरह लिखा है उसी तरह, यहाँ पर ये जो छोटी है जिस तरह है उसी तरह आकर नून में जुड़ जाएगी, तो नून के नीचे जेर और छोटी जुड़कर नी, तो गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर कानूनी। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, इतने सारे चार अक्षर से बने ए मात्रा वाले शब्दों को हम लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना सीख गए। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ तक जो कुछ भी आप लोग को मैं समझाई, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दे और चारों तरफ शेयर कर देना है, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके, आप लोग के जितने भी रिश्तेदार हैं उनके पास शेयर कर दे। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।